छत्तीसगढ़ समेत पूरे भारतवर्ष में आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती बड़ी धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। उनके जन्म दिवस को सुशासन दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में सरायपाली नगर पालिका में भी आज सुशासन दिवस मनाया गया है, जिसमें बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर सरला कोशरिया, नगर पालिका अध्यक्ष अमृत पटेल समेत नगर पालिका कर्मचारी और अधिकारी मौजूद रहे। सुशासन दिवस के उपलक्ष्य में जनप्रतिनिधियों ने अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किए गए जन कल्याण कार्यों और योजनाओं और उनके अमूल्य योगदान के बारे में बताया। आज उनके जन्म दिवस है और उसे जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। सुशासन यानी शासन प्रणाली का, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों का सुशासन सुव्यवस्थित रूप से भारत की जनता के लिए, अंत्योदय अंतिम छोर के गांव के लिए, अंतिम व्यक्ति तक के लिए सुव्यवस्थित ढंग के उनकी सुविधाओं को समुचित लाभ देने के लिए यह सुशासन के नाम से जाना जाता है। आज इस दिवस को हम मना के गौरवान्वित हो रहे हैं। निश्चित तौर पर एक अटल बिहारी वाजपेयी पार्टी के नहीं, एक विपक्ष के लोग जो उसको एक माना करते थे या सलाह मुस्कुरा लेते थे, एक आदरणीय नेता के रूप में वो उभरे और मृदुभाषी निश्चित तौर पर उनकी सुशासन। मैं अशोक शर्मा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद सरायपाली। सर, नगर पालिका में अभी एक कार्यक्रम संपन्न हुआ, उसके बारे में बताएं। ये आज जो है भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री सद्य आदरणीय अटल बिहारी जी वाजपेयी के जन्मदिवस को आज सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया है, जिसके लिए यहाँ एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था।